गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग विद अ न्यू वीडियो। टाइम हो गया सुबह के 7:35 का, बस मैं नहा करके भी आया हूँ और तनीषा भी बस यहाँ पर रेडी है स्कूल जाने के लिए। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा जल्दी कर ले, मौसम अच्छा है आज। रिचा नहाने गई है, तो अभी रिचा नहाने गई है और मैं इसको स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ, फिर वहीं से मैं निकल जाऊँगा नीचे वॉक करने के लिए, फिर आके आपसे मिलता हूँ। आकर के फिर मैं पूजा वूजा के लिए निकल जाऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसको स्कूल छोड़ के आता हूँ। तो गाइस मैं इसको स्कूल छोड़ के आ गया हूँ और बस अब मेरे पूजा का टाइम हो गया, ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले पूजा करता हूँ, आपसे मिलता थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग बस जस्ट अभी बिल्कुल मंदिर से होके आए हैं पूजा करके और मेरा हो रहा है नाश्ते की तैयारी। गैस सिम पे थोड़ी चल जाएगी, खाली नहीं सुनो, खाली मेरे लिए करो तो उसमें करो ना जो मैंने रात को किया था छोटा सा। हाँ तो नहीं, पूरा क्यों कर रहे हो, खाली इसमें कर दो, पूरा क्यों गर्म कर रहे हो। हाँ वो तो हमने छोटा पैन लेके आए थे, इतने में तो पूरा हो जाएगा। अंदर नहीं दिया हाँ, बस इसी में कर लो मेरे लिए। वो कह रहे को अभी यहाँ पर कच्ची बड़ी थी, कहाँ गई? अभी अभी मैं देखी थी कहीं पर, नहीं दूसरे ले लो, कच्ची लेके डालो, बंद कर दो। और नाश्ता मेरी बन रही है जौ की रोटी और साथ में मेरी दाल जो कल की दाल थी, बस अभी वही दाल खा रहे हैं। और रिचा तुम क्या खाओगे? चावल खाए दिए ना। कहाँ? अच्छा ये है। अच्छा तनीषा को आज यही दिया ना तुमने, फ्राइड राइस थे ना, चावल फ्राई करके दिए ना। अच्छा तो भाई दोपहर का टाइम है और टाइम हो गया लंच का और तनीषा स्कूल से आ गई है, अभी थोड़ी पहले ही आई थी, करीब हो गए 15 मिनट को, मतलब चेंज किया और हमारा मतलब खाना लग गया। खाना आज बना है हमारा सत्तू का परोठा। सत्तू का परोठा अच्छा, सत्तू में लहसुन और अदरक डालते हैं, उसका बड़ा जैसे जो बिहारी लोग खाते हैं लिट्टी, उसके अंदर जो उसके अंदर फिलिंग होती है सेम वही चीज़ है। तो ये इस तरह से फिलिंग की हुई है इन्होंने सत्तू का, पहले पाउडर बना करके उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट वो मिला करके बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसे, बहुत इतना अच्छा टेस्ट आता है इसको। आप चाहे तो अचार के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, दही के साथ या दाल के साथ किसी भी तरह से खा लें, अचार डालते हैं ना, हाँ इतना अचार का मसाला मिलता है, इसमें हल्का सा अचार का मसाला डालते हैं ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। अब एक बार खा के तो सुना भाई, गिरा खिला था एक गाई छोटी सी, भर के नहीं खाने में छोटी सी खाने बेटा, ऐसे खिला दे मैं बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी। एक्चुअली डाल के खाया था, दाल ही रहेगा क्योंकि सूखा होता है गले से, कहीं को उठाता नहीं है, तो इसलिए दाल की तरह खाया जाता है ताकि वो थोड़ा लिक्विड रहेगा अंदर, तो आप इजीली इसको खा सकते हैं। बाकी यह बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी है। तो भाई अब हो गई है शाम और मैंने जस्ट अभी कॉफ़ी पी है और बस अब मैं जा रहा हूँ पूजा के लिए मंदिर। और रिचा यहाँ पर कर रही है अपने यहाँ पर पूजा की तैयारी और मैं जा रहा हूँ मंदिर दिया जलाने के लिए। तो रिचा मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है? और बस अभी हम टीवी देख रहे थे, गाना देख रहे थे, उसमें जिन्हे मेरा दिल लुटिया और जिन्हें मैंने मार सुटिया, क्या क्या जिन्हे मेरा दिल लुटिया। ए रिचा रिचा देख लो, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, ये अपना यहाँ पर वो मैं गाना गा रहा हूँ तो उससे जवाब दे रही है। क्यों तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, तू तू गाना पे क्यों ध्यान दे रही है? क्या करिए बहस करते पढ़ोगे आगे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले। तो वैसे अभी टाइम हो रहा है शाम का करीब 7 बजे का और अभी हम मैं अभी 7:30-7:30 का टाइम है और मैं पी रहा हूँ अभी मोजिटो, रिचा ने बनाया मोजिटो मेरे लिए और मेरा बना है शुगर फ्री, मीन्स प्लेन सोडेगा। तो आपको दिखाता हूँ, देखो मेरा है सिर्फ प्लेन सोडेगा और इनका बना है स्प्राइट का, इन दोनों का है स्प्राइट का और मेरा मेरा प्लेन है, मेरा फीका है, मेरा सिर्फ सोडा में
इसमें नमक और पुदीना डाला ना। मेरा स्प्राइट ही मेरा रॉ लेमन का है। हाँ तुम्हारा आरो लेमन का है, इसका स्प्राइट का, मेरा मेरा से खाली प्लेन सोडेगा। प्लेन सोडेगा तो ये है। तो बस अभी हम लोग स्प्राइट एंजॉय कर, वो स्प्राइट करूँ मुझे तो एंजॉय कर रहे हैं। तो आपसे मिलते थोड़ी देर में। छोना कैसा है बेटा, कैसा है? अच्छा है। किसे कैसा है तुम्हारा टेस्ट? मुझे तो वाला नहीं पी, वो मुझे तो टेस्ट करना है मुझे। मुझे तो नहीं पी रही, मैं सारी शिकंजी पी रही हूँ। ये बहुत सही, ये बड़ी मीठा होगा। और मेरा बिल्कुल फीका। पापा के लिए सही है। इन दोनों के आगे मेरा ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या पी रहा हूँ। नहीं बेटा नहीं, नहीं बेटा नहीं, मीठा नहीं, नहीं बेटा मीठा बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, मेरा फीका से नहीं, फीका अच्छा है मेरा बिल्कुल फीका है। ये कि भाई चलो पेट साफ हो जाएगा सोडा पीने से, गैस वैस की प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो जाएगी। तो गाइस टाइम हो गया है रात के करीब अभी 9:45 का टाइम है, और हम लोगों ने बिल्कुल सभी खाना खाया, खिचड़ी खाई थी हमने क्योंकि सबका हैवी हो गया था, तो खिचड़ी खाया, सोचे खिचड़ी खा लेते हैं, और बस अब सोने की तैयारी हो रही है। और चलिए बस आज के ब्लॉग यहाँ पर करते हैं समाप्त, आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाय, गुड नाइट।